हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल जस्ट। कैसे हैं आप सभी दोस्त? तो आज हम जो टॉपिक स्टडी करेंगे उसका नाम है स्केल ऑफ कॉर्ड्स, मीन सर्वेइंग सब्जेक्ट का टॉपिक है स्केल ऑफ कॉर्ड्स। जैसा कि आप जानते हैं, हम सर्वेइंग के स्केल्स के टॉपिक को स्टडी कर रहे थे, तो उसमें हमने देखा प्लेन स्केल, डायगनल स्केल एंड देन श्रंक स्केल। आज हम देखेंगे स्केल ऑफ कॉर्ड्स। तो सबसे पहले ये स्टेटमेंट देख लीजिए, स्केल ऑफ कॉर्ड्स इज यूज टू ड्रॉ एंड मैयर एंगल ऑफ एनी गिवन मैग्नीट्यूड इन द एब्सेंस ऑफ प्रोटेक्टर। अब इसका क्या मतलब है कि स्केल ऑफ कॉर्ड्स एक ऐसा स्केल है जिसको हम यूज करते हैं टू मैयर द एंगल और टू मैयर द एंगल और टू ड्रा द एंगल। मीन ये कि हमने किसी भी एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, ड्रा करना है या मेक करना है, उसके लिए यूज करते हैं। एंड सेकेंड थिंग, मैयर करना है उसके लिए भी यूज करते हैं। इन विच कंडीशन? इन द एब्सेंस ऑफ प्रोटेक्टर, मीन ये कि जब हमारे पास डी अवेलेबल नहीं है, प्रोटेक्टर अवेलेबल नहीं है, उस सूरत में हमें किसी एंगल को मेजर करना है या कंस्ट्रक्ट करना है, उन इन दोनों केसेस के लिए हम स्केल ऑफ कॉर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो ये स्केल ऑफ कॉर्ड बेसिकली सर्वेइंग का भी एक टॉपिक है और इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी एक अलग से टॉपिक है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्रॉ करते हैं और इसकी मदद से ही हम किसी एंगल को मेजर भी करते हैं और उसको कंस्ट्रक्ट भी करते हैं जब हमारे पास डी या प्रोटेक्टर नहीं होता। सो फ्रेंड्स, अब देखिए कि इसको अगर हमने शीट पे पेपर पे ड्रा करना है तो इसको किस तरीके से ड्रा करेंगे, जहाँ पे हम बोर्ड पे ड्रा करते हैं स्केल ऑफ कॉर्ड्स को। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये एक लाइन हम एक सूटेबल लेंथ की खींच लेंगे, जिसको हम ए बी का नाम दे देंगे, जिसको हम ए बी का नाम दे देंगे। अब हमने क्या करना है कि कंपस जो है हमारे पास, कंपस जो हमारे पास ड्राइंग का इंस्ट्रूमेंट है, उससे हमने इतनी लेंथ की आर्क ओपन करनी है, ए बी लेंथ की आर्क ओपन करनी है, और बी पॉइंट पे हमारा कंपस रखकर हमने ए से एक आर्क ड्रा करनी है। ए से क्या करना है, हमने एक आर्क ड्रा करनी है, इस तरीके से आप देख लीजिए। अब यहाँ पे मेरे पास कंपस तो नहीं है, बट मैं रफ एक सर्कुलर सेमी सर्कुलर आर्क ड्रा कर देता हूँ। अब देखिए, यहाँ तक ही हमने एक सेमी सर्कुलर आर्क ड्रा कर दी। अब क्या करना है हमने कि इसी आर्क से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है एट पॉइंट बी। इसी आर्क से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है हमने एट पॉइंट बी। ये एक परपेंडिकुलर आप ड्रा कर दीजिए एंड इस पॉइंट को हम सी का नाम दे देते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो हमने आर्क ड्रा की है ये विद रेडियस ए बी ड्रा की है, मीन्स हमने बी पॉइंट पे कंपास को रखा और ए बी रेडियस के साथ ये आर्क ड्रा कर ली। अब जब इसी रेडियस से हम इसी कंपास को इसी रेडियस के थ्रू ए पॉइंट पे रखेंगे, तो हम यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम आर्क ड्रा करेंगे। तो इस पॉइंट से हमने जब आर्क ड्रा की तो ये हमारे पास ये आर्क आई जो कि 60 डिग्री कट हमारे पास हो रहा है, 60 डिग्री डिवीजन कट हो रहा है। अब नेक्स्ट देखिए कि इस आर्क को हम फर्दर 9 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। किस तरीके से? मीन्स इक्वल 9 पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। जैसे ये है 10 10 डिग्री, इसी तरह 20 डिग्री, इसी तरीके से हम 90 डिग्री तक जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इस आर्क को, ए सी आर्क को हमने 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो यहाँ से 0 से 10 डिग्री, 10 से 20 30 40। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, जो 10 से 20 डिग्री का इंटरवल है, ये जो स्पेस है, इसको हम 1 डिवीजन बोल रहे हैं, इसको हम 1 डिवीजन बोल रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास 10 डिग्री की डिवीजन है। 10 डिग्री है, 10 डिग्री, 20 30 40, इसीलिए हमारे पास 10 डिग्री के इक्वल डिवीजन है और इस पार्ट को हम स्पेस को डिवीजन बोलते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमने इस 10 डिग्री को, ये जो हमारे पास सारे आर्क्स हैं कट हैं, इनको हमने ए बी आर्क पे ज्वाइन करना है, ए बी लाइन पे हमने इनको ज्वाइन करना है इस तरीके से। ये देख लीजिए, ये 10 डिग्री, तो ये भी हमारे पास कितना आ गया, 10 डिग्री। इसी तरीके से इसको भी ज्वाइन कर दीजिए, ये 20 डिग्री। इसी तरीके से ये हमारे पास सारे पार्ट्स ज्वाइन हो जाएंगे, 30 डिग्री। इसी तरीके से 40 को 40 डिग्री हमने यहाँ पे कट कर दिया, 50 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री को आप देखें, यहाँ पे जो कट होगा ये 90 डिग्री एंगल पे कट होगा, मीन्स के ए बी लाइन पे एट पॉइंट बी। रूल क्या है कि 60 डिग्री जब हम आर्क कट करेंगे तो 60 डिग्री डिवीजन पे जो आर्क है वो मस्ट पास, विच विल मस्ट पास थ्रू द पॉइंट बी, ये आपने बस याद रखना है। इसी तरीके से फिर हमने 70 डिग्री में हमने ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर दिया, 80 डिग्री को रिप्रेजेंट कर दिया, 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस ए बी लाइन को हम यहाँ तक फर्दर एक्सटेंड कर देते हैं, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं डी। लेट सपोज दिस पॉइंट हैज नेम डी। तो अब ये कंप्लीट लाइन क्या हो गई, ए बी डी। अब यहाँ पे आप फर्दर देखिए कि इसके आगे हम स्केल ड्रा करेंगे। ये हमने अभी स्केल नहीं ड्रा किया, ये हमारे पास अभी
आर्क को हमने ड्रा किया है, नेक्स्ट हम देखते हैं स्केल किस तरह ड्रा करना है। इसी के नीचे आप इस तरीके से स्केल ड्रा कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास स्केल आ गया, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, एंड ये हमारे पास यहाँ पे 0 डिग्री, 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट बात आती है कि इस स्केल के ऊपर अगर हमने किसी भी एंगल को मेजर करना है या कंस्ट्रक्ट करना है तो किस तरीके से करते हैं, तो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हमारे पास 0 से 90 डिग्री तक स्केल है, तो बेसिकली ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर पार्ट है ये हमारा स्केल है, एंड इट इज़ अवर आर्क, ये हमारा कॉर्ड्स का पोर्शन है। तो यहाँ पर अभी आप देख लीजिए कि लेट सपोज, अब हम एग्जांपल लेते हैं कि हमें 53 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। तो एंगल हमें कौन सा कंस्ट्रक्ट करना है, 53 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास स्केल है, इसके लिए आप ये देख सकते हैं 53 है तो 50 के आगे। अब इस स्केल को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं किस तरीके से, कि जैसे 0 से 10 डिग्री है, इसको अगर हम फर्दर 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। बट नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ 53 डिग्री, सो वी हैव टू गो फॉर 50 डिग्री। नाउ इसको आप क्या करें, फर्दर आप 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 50 डिग्री टू 60 डिग्री आ जाता है। तो 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और ये 60 आ गया। सो ये हमारे पास फर्दर मोर जो स्केल है वो 10 डिवीजन से हमने 1 डिग्री डिवीजन में भी सब स्प्लिट कर दिया। अब 53 के लिए देख लें, 50 डिग्री, 51, 52, 53 53। बट अब किस तरीके से प्रोसेस करना है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। वो हमने क्या करना है कि हम एक और लाइन ड्रा करेंगे विच इज़ ऑफ लेंथ ए बी अगेन। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है एम एन जो हमने ड्रा की विच इज़ इक्वल टू द ए बी लेंथ, मीन्स ये कि ए बी लेंथ के इक्वल हमने ये ड्रा कर ली। अब अगेन वही प्रोसेस करिए कि एन से कंपस रख कर एक एम एम पॉइंट पे एक आर्क ड्रा कर दीजिए। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से एक आर्क हम ड्रा कर लेते हैं एन से कंपस रख के, विच इज़ इक्वल टू रेडियस। अब ये रेडियस कितना है, ए बी, मीन्स यहाँ पे हमारे पास रेडियस था ए बी, तो उसके इक्वलेंट हमने यहाँ पे आर्क ड्रा किया। सो अगेन, सो ये जो प्रोसेस हमने किया था यहाँ पर, हमने उसी प्रोसेस को रिपीट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से करना है, कि यहाँ पर आपने फिर कंपास को ओपन करना है दोबारा, और इसमें आप देख लीजिए ए पॉइंट पे रख के 51, 52, 53, क्योंकि हमें 53 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है, तो 53 डिग्री तक ओपन कीजिए, एंड ये हमारे पास यहाँ के अकॉर्डिंगली 53 डिग्री आ गया। तो देन अगेन एम पॉइंट पे रखिए अपने कंपास को, और एम पॉइंट से एक सिंपल यहाँ पे आर्क कट कीजिए। अब इस पॉइंट को जहाँ यहाँ एंड तक जो पॉइंट हमारे पास आया है, इसको हम लेट सपोज क्यू का नाम दे देते हैं। इसको लेट सपोज मैं क्यू का नाम दे देता हूँ और इसको मैं पी का नाम दे देता हूँ। तो 53 डिग्री के एंगल पे रख के हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, इसको हमने पी का नाम दे दिया। अब सिंपली आपने क्या करना है कि यहाँ से एक लाइन जो है वो ज्वाइन कर दीजिए एन पॉइंट तक। सो ज्वाइन ज्वाइनिंग पी टू एन। अब ये हमारे पास एक पूरी एक एंगल बन गया पी एन एम। तो इसके किसके इक्वल होगा, आप देख सकते हैं पी एन एम इज इक्वल टू 53 डिग्री। सो लेट्स सी फ्रेंड्स, ये हमारे पास एंगल पी एन एम 53 डिग्री हो गया। तो अगर हम इसको सम अप करें तो देखें कि स्केल ऑफ कॉर्ड्स एक ऐसा स्केल है जो कि यूज़ किया जाता है जब हमने मेक करना हो या मेजर करना हो एंगल ऑफ एनी गिवन मैग्नीट्यूड इन विच इन द एब्सेंस ऑफ प्रोटेक्टर। जब हमारे पास डी ना हो तो हमने इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना होता है स्केल ऑफ कॉर्ड्स। अब यहाँ पे एक पॉइंट और देख लीजिए कि ये तो एंगल हमारे पास कौन सा था, 53 डिग्री। अगर हमारे पास एंगल हो जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो, तो उसके लिए आपने सिंपली क्या करना है कि अभी तो आपने यहाँ से एक सेमी सर्कुलर आर्क ड्रॉ किया, इसको आपने पूरा एक सेमी से पूरी आर्क एक ड्रॉ कर देनी है, जो कि हमारे पास एक डी की पूरी कंप्लीट डी की शेप में आ जाएगी। तो जिस तरीके से अभी ये एम एन है, इसी तरीके से एम एन, और फिर हमारे पास जो एन होगा वो सेंटर पॉइंट आ जाएगा। इसको आप कोई भी नाम दे दीजिए, आर नाम दे दीजिए। तो इस तरीके से अगर हमने फर्ज कीजिए कि 130 डिग्री, लेट सपोज के 130 डिग्री को हमने मेजर करना है, तो उसका प्रोसेस देख लेते हैं। उसमें हमने क्या करना है कि आप सबसे पहले 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री कीजिए। 180 माइनस 130 कितना होता है हमारे पास, 50 डिग्री, 50 डिग्री आ जाएगा। तो इस स्केल ऑफ कॉर्ड्स के ऊपर ए पॉइंट के ऊपर कंपास को रखिए, और 50 डिग्री तक कंपास को ओपन कीजिए, एंड 50 डिग्री को ओपन करने के बाद
यहाँ आर पॉइंट के ऊपर रख के कोई 50 डिग्री के कंपास से कट लगा दीजिए, जिस तरीके से अभी हमने इस केस में किया, और सिंपली उसको यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए एन से। सो देन जब हम इसको इस पॉइंट से जोड़ देंगे तो हमारे पास ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अगर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, और अगर एंगल लेस देन 90 डिग्री है फिर आप सेमी सर्कुलर आर्क ड्रा करके इस तरीके से सारा प्रोसेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है गाइज आपको ये स्केल ऑफ कॉर्ड्स का सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।